नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर से चीन की मनमानी देखने को मिली है। खबर है कि चीन के एक जहाज ने इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में घुसपैठ की है, लेकिन इंडोनेशियाई कोस्ट गार्ड बलों ने उसे वहां से खदेड़ दिया। इंडोनेशिया ने दावा किया है कि उसके गश्ती जहाजों ने दक्षिण चीन सागर के एक विवादित क्षेत्र में चीनी तटरक्षक बल के एक जहाज को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने गुरुवार को इसके बारे में जानकारी दी थी। इंडोनेशिया की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि चीनी जहाज दो बार एमवी जियो कोरल नाम के उसके जहाज के पास पहुंचा, जिससे भूकंपीय आंकड़े जमा करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा था, लेकिन इससे इस सर्वेक्षण में रुकावट पैदा हुई। ये सर्वे सरकारी ऊर्जा कंपनी पीटी पाटामिना द्वारा दक्षिण चीन सागर के उस हिस्से में किया जा रहा है जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। चीन के लिए 9-डैश लाइन काफी अहम है, जिसका इस्तेमाल वो दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर हिस्से पर अपने दावे को मोटे तौर पर दिखाने के लिए करता है। चीन की ये 9-डैश लाइन इंडोनेशिया के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एक हिस्से से ओवरलैप होती है, जो नतूना द्वीप समूह तक फैली हुई है। चीन 9-डैश लाइन को अपनी समुद्री सीमा मानता है, जिसमें कई पड़ोसी देशों की सीमाएं भी शामिल हैं, लेकिन चीन उनकी आपत्तियों को नहीं मानता है। फिलीपींस के साथ एक ऐसे ही विवाद में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2016 के एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिएशन फैसले में समुद्र में चीन के ज्यादातर दावों को खारिज कर दिया था, लेकिन चीन ने इस फैसले की अनदेखी की और इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। चीनी जहाज उस इलाके में नियमित रूप से प्रवेश करते रहे हैं, जिसे इंडोनेशिया उत्तरी नतूना सागर कहता है। चीन के ऐसा करने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव अक्सर काफी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ इस इलाके पर चीन संप्रभुता का दावा ऐसे ही नहीं करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पर 11 मिलियन बैरल तेल का भंडार और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार मौजूद है। इस इलाके पर ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम का भी दावा है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।